जब मैं और मेरे हस्बैंड बिजी हुआ करते थे, समय कम होता था, तब 10 मिनट में मैं यही बनाया करती थी। मैं महिमा मोजेस और मोजेस रेसिपी में आप सभी का स्वागत है। चलिए मैं आपको इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 1/4 कप पीनट लिया है, यहाँ पर मैंने 4 से 5 काजू भी ले लिए हैं, और साथ ही यहाँ पर मैंने सूखी लाल मिर्च लिया है, 1 छोटा चम्मच सरसों लिया है, 1 छोटा चम्मच उड़द दाल और 1/2 छोटा चम्मच चना दाल, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ा सा यहाँ पर मैंने करी लीव्स भी ले लिया है, 2 से 3 हरी मिर्च यहाँ पर रख लिया है, और साथ ही यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक भी मैंने रखा है। जब बिजी रहते थे तो ग्रोसरी परचेज करने का भी टाइम नहीं रहता था, उस टाइम तो ऐसा लगता था ना कि फटाफट से बस कुछ बन जाए, तब मैं ऐसी ही रेसिपीज़ को चूज़ किया करती थी। एक पैन में मैंने 2 बड़े चम्मच तेल लिया है और तेल को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है। तेल के गर्म होते ही मैंने यहाँ पर काजू डाला है, काजू को हमें फ्राई कर लेना है, लेकिन ध्यान इस बात का रखना है कि काजू बिल्कुल भी जलना नहीं चाहिए, काजू को बस हमें थोड़ा सुनहरा होते तक ही फ्राई करना है। और हाँ, यहाँ पर काजू ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप डालेंगे ना तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और इसके बाद यहाँ पर मैंने 1 छोटा चम्मच सरसों डाल दिया है, सरसों जैसे ही क्रैकल हुआ है तब यहाँ पर मैंने उड़द दाल डाल दिया है 1 छोटा चम्मच और 1/2 छोटा चम्मच चना दाल डाल दिया। हाँ, लेकिन सरसों को आपको अच्छे से क्रैकल करना है, उससे ना बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और साथ ही यहाँ पर मैंने 3 हरी मिर्ची ली है, 10 से 12 करी लीव्स लिया है, बस हमें थोड़ा सा इसे फ्राई करना है जब तक कि जो दाल है अच्छे से सुनहरी और अच्छे से क्रिस्पीनेस ना उसमें आ जाए। तो आप देख सकते हैं कि जो दाल है अच्छे से सुनहरा हो गया है। तो यहाँ पर मैंने 1/4 कप जो पीनट हमने रखा था उसे डाल दिया, और हमें इसे अच्छे से फ्राई करना है, पीनट में अच्छा सा एक क्रंच आ जाना चाहिए। इसे बनाने के लिए आप चावल को अच्छे से ठंडा कर ले, और आप चाहे ना तो इसे लेफ्ट ओवर राइस से भी बना सकते हैं, उसमें भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। चावल के ऊपर ही यहाँ पर मैंने 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया है, साथ ही स्वाद अनुसार नमक भी इसमें डाल दिया है, और बस हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस रेसिपी को आप बनाएंगे ना तो आप इसकी तारीफ करेंगे। जब भी मैं बिजी हुआ करती थी ना, तब मैं ऐसी ही रेसिपीज को ढूंढा करती थी, और इसकी अच्छी खासी कलेक्शन है मेरे पास, जो कि मैं आप लोगों के साथ एक एक करके शेयर करूंगी। अब अच्छे से सब मिक्स हो चुका है, तो आप देख सकते हैं हल्दी का कलर इस तरीके से दिख रहा है, लेकिन अभी आप देखिएगा जैसे ही मैं इसमें लेमन डालूंगी ना तो इसका कलर कैसे चेंज होता है, और बिल्कुल लेमन के कलर में ना राइस हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी मैं इसे मिक्स करूंगी, आप देखिए बिल्कुल लेमन के कलर जैसा दिख रहा है ना हमारा राइस। ये रेसिपी मुझे इसलिए भी पसंद है क्योंकि इसके लिए किसी भी स्पेशल कॉम्बो की जरूरत नहीं पड़ती है, आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं। जब मैं और मेरे हस्बैंड बिजी होते थे ना, तो हम इसे एक बोल में लेकर दही वही के साथ ऐसे ही खा लिया करते थे। तो आप देख सकते हैं कि जो राइस है बिल्कुल लेमन के कलर में आ गया है। तो अब हम यहाँ पर धनिया पत्ता डाल देंगे, और धनिया पत्ता डालने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, अच्छे से डालें, उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। थोड़ा सा पानी बस मैंने यहाँ पर छिड़क दिया है और ढक कर रख दिया है, ताकि जो राइस है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। जब मैं बिजी हुआ करती थी ना, तब मैं इस सिंपल रायता को बनाया करती थी, जो कि बहुत ही इजी बनता है और बहुत ही क्विक है। बस प्याज मिर्ची धनिया डालना है, थोड़े से मसाले जैसे कि ब्लैक पेपर, काला नमक, थोड़ा सा जीरा पाउडर, और सच में आज उस दिन की ना याद आ गई मुझे। बस इसे मिक्स करना है और हमारा जो मील है वो बनकर तैयार हो जाएगा। आप भी अगर बिजी रहते ना तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई करना। मुझसे जुड़े रहने के लिए मुझे इस रेसिपी को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। इन वीडियोज़ को भी ज़रूर देखें।